हेलो साथियों कैसे आप सभी मैं विवेक एक बार फिर से साथ आप सभी साथियों को आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति तो चलिए बेटी कल हम लोगों ने संज्ञा पढ़ी संज्ञा के क्वेश्चन भी किए थे आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आज हम लोग क्या कर रहे हैं संज्ञा के आगे पढ़ते लिंग तो देखिए हमने कहा कि भाई देखिए जो संज्ञा होती है वो एक विकारी शब्द होता है संज्ञा क्या होता है एक विकारी विकारी अर्थात यदि आप कर्ता का लिंग वचन और कारक बदल दोगे तो संज्ञा शब्द में भी परिवर्तन आ जाएगा जैसे आपने कहा कि भाई यदि यदि कोई संज्ञा शब्द है जो नर जाति का बोध करा रहा है लड़का क्या होता है आप कह सकते हो सर ये नर जाति का बोध करा रहा है या ये पुरुष जाति का बोध करा रहा है तो मैंने कहा अच्छा ये इसका जो लिंग है वो कौन सा है पुरलिंग है कौन सा लिंग है है मैंने बोला ओके अब यदि यही यही शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द लड़की यदि स्त्री जाति का बोध कराए यदि महिला जाति का बोध कराए तो मैंने कहा कि भाई ये शब्द स्त्रीलिंग है तो आप देख रहे हो कि ये संज्ञा शब्द लिंग के अनुसार परिवर्तित हो गया किसके अनुसार अर्थात जब मैंने इसको नर जाति का बोध कराने के लिए प्रयोग में लिया तो यह कुछ और था और जब मैंने इससे स्त्री जाति का बोध कराया तो इसका इसमें कुछ और परिवर्तन आ गया इसलिए मैंने कहा था कि संज्ञा क्या होती है विकारी होती है क्या होती है विकारी तो यही संज्ञा के जिस रूप से हमें यह पता चले कि वो संज्ञा शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहा है या वह पुरुष जाति का बोध करा रहा है उसे हम क्या कहते हैं उसी को हम लिंग कहते हैं क्या कहते हैं उसी को हम लोग लिंग कहते हैं तो सिंपल शब्दों में क्या रहे संज्ञा के जिस रूप से तो डाल दीजिए लिंग अर्थात जेंडर लिंग अर्थात जेंडर संज्ञा के जिस रूप से संज्ञा के जिस रूप से संज्ञा के जिस रूप से वस्तु व्यक्ति प्राणी भाव व्यक्ति वस्तु प्राणी भाव आदि की पुरुष अथवा नर अथवा स्त्री या मादा जाति का बोध हो जाति का बोध अथवा ज्ञान हो ज्ञान हो वह लिंग कहलाता है वह लिंग कहलाता है वह लिंग कहलाता है तो मैंने क्या कहा संज्ञा के जिस रूप से या तो कोई वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो या कोई प्राणी हो या हमारे अंदर कोई उफन रहा भाव या कोई द्रव्य हो या क्या कोई बच्चा कोई द्रव्य आदि की पुरुष अथवा स्त्री जाति का होने का बोध हो यह भी डाल सकते हो वह वस्तु या वह व्यक्ति या वह प्राणी या तो पुरुष जाति का है पुरुष जाति का है या वो स्त्री जाति का है इससे हमें पता चलेगा उस रूप से हमें क्या चले, पता चलेगा कि वह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है वही रूप लिंग कहलाता है फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर देखें किसके तौर पर देखें उदाहरण के तौर पर तो जैसे लड़का लड़का एक जातिवाचक शब्द है लड़का क्या है एक जातिवाचक शब्द है कैसा शब्द है जातिवाचक तो आप यह कह देते हो यह किस जाति का बोध करा रहा है कि लड़कों की जो पुरुष जाति है अर्थात जो पुरुष या नर लड़के होते हैं उनकी संपूर्ण जाति का यह बोध करा रहा है तो इस जातिवाचक संज्ञा के रूप से हमें यह भी पता चला कि यह पुरुष जाति का बोध करा रहा है इससे में ज्ञान हुआ ना कि यह पुरुष जाति का बोध करा रहा है जबकि हमने जब लड़की इसी में परिवर्तन करके क्या लिखा लड़की तो यह भी एक जातिवाचक संज्ञा है लेकिन इसने हमें स्त्री अथवा मादा जाति का बोध कराया इससे इस शब्द से हमें यह पता चला कि ये कम जिनकी ज्यादा एज नहीं होती उन स्त्रियों की बात कर रही है जिसके लिए यह शब्द उन स्त्रियों का सूचक है और हमने उसे एक जातिवाचक संज्ञा मान लिया उसे क्या मान लिया एक जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन मान लिया तो मोटे तौर पर मैं कहूं तो सिंपल सी है कि इस पदार्थ की प्रकृति जो भी व्यक्ति या वस्तु है उसकी दो प्रकृतियों में बांट दिया उसने चाहे कोई वस्तु हो चाहे कोई व्यक्ति हो चाहे कोई प्राणी हो चाहे कोई भाव हो चाहे कोई द्रव्य हो या तो पुरुष या स्त्री और इस प्रकार से बांटा कि हमें इस संज्ञा शब्द में ही परिवर्तन करना पड़ेगा तब हम सही से अंदाजा लगा पाएंगे कि असल में वो नर जाति का है या वो पुरुष स्त्री जाति का या मादा जाति का तो ये तो हो जाती है आपकी इसकी परिभाषा संपूर्ण परिभाषा अब आ जाता है बच्चा हिंदी में दो प्रकार के लिंग होते हैं हिंदी में दो प्रकार के लिंग होते लिख लीजिए हिंदी में हिंदी में दो प्रकार के लिंग होते हैं दो प्रकार के लिंग होते हैं लिंग होते हैं जबकि संस्कृत में एक तीसरा भी होता है हिंदी में दो प्रकार के लिंग होते हैं पहले को बोलते बच्चा पुरलिंग क्या होती है पुरलिंग पुरलिंग की परिभाषा कहती है वह संज्ञा या संज्ञा का वह रूप संज्ञा शब्द का वह रूप शब्द का वह रूप जो पुरुष जाति का बोध कराए या जिससे पुरुष जाति का होने का बोध हो पुरुष जाति का बोध कराए या पुरुष जाति का बोध होता है पुरलिंग संज्ञा शब्द का वह रूप जिससे पुरुष जाति का बोध होता है पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुरलिंग कहते हैं उसे उस शब्द रूप को क्या कहते हैं पुरलिंग कहते हैं पुरलिंग कहते हैं दूसरी तरफ आ जाता है स्त्रीलिंग क्या जाता है बच्चा स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग इंग्लिश में इसे मस्क्यूलाइन भी कह देते हैं क्या कह देते हैं मस्क्यूलाइन और स्त्रीलिंग अर्थात फेमिनाइन संज्ञा का वह रूप संज्ञा का वह रूप जिससे मादा जाति का मादा जाति का बोध होता है बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं स्त्रीलिंग कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे नदी उदाहरण के तौर पर आप क्या कहोगे जैसे नदी जैसे नदी नाव आदि और दूसरी तरफ पुरलिंग में देखोगे तो इधर क्या हो जाती है जैसे आपका हो जाता है बालक चश्मा लोहा ये सब ये हिंदी में कितने प्रकार के लिंग होते हैं हिंदी में दो प्रकार के लिंग होते हैं जबकि जब आप जब हाँ आगे बढ़ोगे और संस्कृत में जानोगे तो संस्कृत में एक तीसरा लिंग भी पाया जाता है संस्कृत हो या इंग्लिश हो इसमें एक तीसरा लिंग भी पाया जाता है लिख लीजिए संस्कृत में संस्कृत में एक तीसरा एक तीसरा लिंग रूप भी पाया जाता है लिंग रूप भी पाया जाता है पाया जाता है तो संस्कृत में एक तीसरा लिंग रूप भी पाया जाता है जिसे नपुंसक लिंग कहते हैं क्या कहते हैं बच्चा नपुंसक लिंग ये जड़ अथवा निर्जीव वस्तुओं के लिए जड़ अथवा जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं कौन सी वस्तुएं होती बच्चा निर्जीव वस्तुओं, निर्जी वस्तुओं की जाति का बोध कराता है निर्जीव वस्तुओं की जाति का बोध कराता है संस्कृत में बोध कराता है परंतु हिंदी में चाहे कोई जड़ चीज हो जड़ अर्थात जिसमें प्राण ना हो जो अनकॉन्सियस हो चाहे कोई चेतन चीज हो जिसमें प्राण हो सजीव हो चाहे कोई भाव हो चाहे कोई द्रव्य हो इसलिए मैंने साफ तौर पर लिख दिया था हिंदी में उसको हम दो ही लिंग रूप में विभाजित करेंगे एक पुरलिंग में और एक स्त्रीलिंग में जबकि चेतन जड़ चीजों के लिए जिनके अंदर प्राण ना होते हैं प्राण नहीं होते और जो जड़ होती हैं उनके लिए संस्कृत में एक तीसरा भी है जिसे नपुंसकलिंग कहते हैं हमारे यहां पर सिंपल सी बात है हम लोग क्या कहते हैं हम लोग उसे सिर्फ पुरलिंग और होते हैं अब आपके लिए दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं पहले तरीके का जो क्वेश्चन होता है वो आपको चार ऑप्शन दे देगा पूछेगा इसमें से कौन सा शब्द पुरलिंग है या आपको सिंपल कहेगा कि इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है अर्थात एक शब्द को आपको पुरलिंग या स्त्रीलिंग पूछेगा एक क्वेश्चन जो आपसे आता है वो आपको उन चारों में से एक को अलग करने के लिए कहेगा कि इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है या इनमें से कौन सा पुरलिंग नहीं है और एक और क्वेश्चन जो आता है वो आपसे पूछता है कि आपको पुरलिंग शब्द दे देगा कि इसका स्त्रीलिंग बनाओ या स्त्रीलिंग शब्द दे देगा और कहेगा इसका पुरलिंग बनाओ ये दो तरीके के क्वेश्चन है पहले तरीके का क्वेश्चन हम आज करेंगे एक चीज आप बहुत ही अच्छे से दिमाग में लिख लीजिए कि जब भी लिंग को पढ़ना क्यों आवश्यक होता है एक क्वेश्चन आता है चलिए ठीक है हमने संज्ञा पढ़ी जिससे कि हमें यह पता चल जाए कि ये कौन से प्रकार की संज्ञा होती है लेकिन संज्ञा के साथ हम लिंग क्यों पढ़ रहे हैं तो देखिए जो वाक्य में क्रिया होती है वाक्य में क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार होती है कर्ता थीन के लिंग के अनुसार वाक्य में क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार होती है होती है यदि यदि कर्ता पुरलिंग है यदि कर्ता पुरुष है पुरलिंग है तो क्रिया भी पुरलिंग होगी तो क्रिया भी पुरलिंग होगी और यदि और यदि और यदि कर्ता स्त्रीलिंग है कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी स्त्रीलिंग होगी अब इसमें कंफ्यूजन ना हो क्रिया और कर्ता की जो लिंग है क्रिया और कर्ता का जो लिंग है वो दोनों समान बना रहे उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो उसमें कोई अशुद्धि ना हो इसलिए हमें संज्ञा के साथ साथ हमें लिंग के ज्ञान के भी आपके तौर पर देख लेते हैं। ठीक है हमने क्या कहा यदि हमें लिंग का ज्ञान नहीं होता हमें नहीं पता होता कि कर्ता के जैसी कर्ता का जो लिंग होता है वही क्रिया का भी लिंग होना चाहिए तो हम इसको तो ऐसे पढ़ देते जैसे विदेशी आते उन्हें नहीं पता होता कि हमारे यहां पर क्या करता क्या लिंग वो तो डां बोल देते लड़का जाती हम खाती वो पुरलिंग शब्दों का भी स्त्रीलिंग के तौर पर प्रयोग करते हैं लेकिन बच्चा हम तो भारतीय हैं हम तो यूपी वाले हैं ज्यादातर हमारी तो मातृभाषा हिंदी है रग-रग में बसती है तो हमें इस अशुद्ध को शुद्ध करना है और वो शुद्ध कब करेंगे जब हमें लिंग का ज्ञान होगा तो हम इसकी शुद्ध कैसे करेंगे इसको शुद्ध करने के लिए यज्ञ सा कर देते हैं, तो हमने क्या कहा लड़का लड़का एक पुरलिंग शब्द है तो इसके साथ क्रिया भी क्या होगी पुरलिंग लड़का जाता है होगी अब ये एकदम शुद्ध रूप है अब क्या है शुद्ध रूप इसलिए हम लिंग भी पढ़ते हैं इसलिए हमें लिंग का ज्ञान जरूरी होता है अब कुछ मोटे-मोटे नियम देख लेते हैं मोटे-मोटे क्या देख लेते हैं नियम कि कौन से शब्द या किस प्रकार की चीजें सदैव पुल्लिंग होती हैं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सदैव पुल्लिंग होती हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सदैव स्त्रीलिंग होती हैं अर्थात हमेशा वो स्त्रीलिंग के तौर पर प्रयोग में लाई जाती है इस तरीके का जब आप डेली डेली समझ के करोगे चीजों को तब जाके आपको लिंग का पूरी तरह ज्ञान हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा वॉइस मिसमैच वगैरह तो नहीं हो रही सभी लोग यसिया नो करके बताइए इंटरनेट बीच में गड़बड़ाया है वॉइस मिसमैच तो नहीं हो रही बच्चा अब आ जाते हैं कुछ नियम कर लेते हैं जैसे सबसे पहले पुर्लिंग डाल दीजिए क्या डाल दीजिए पुरलिंग सबसे पहले क्या डाल दीजिए बच्चा डाल पुर्लिंग डाल दीजिए पुरलिंग अर्थात पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द याद रखिएगा याद रखिएगा कुछ समूहवाचक संज्ञा नंबर एक कुछ समूहवाचक संज्ञा जो समूह के तौर पर प्रयोग में आती है कुछ समूहवाचक संज्ञा कुछ समूहवाचक संज्ञा सदैव क्या होती है बच्चा पुरलिंग रहती है जो पुरलिंग रहती है तो उनका आप एग्जाम्पल देखिएगा और एक चीज और मेरे बच्चे ध्यान देना इस चीज पर कि जब भी पुरलिंग स्त्रीलिंग में आप फंसो तो अपने डेली के एक्सपीरियंस अपने डेली के अनुभव का प्रयोग करना और अनुभव का प्रयोग कैसे करना कि आप लोग अर्थ में ढालना क्या ढालना अर्थ में जैसे अब मैंने कहा था लड़का खाती है तुरंत तो आपकी समझ में आ गया अर्थ गड़बड़ा रहा है क्योंकि लड़का पुरलिंग है और खाती स्त्रीलिंग है तो आप अर्थ वाक्य अर्थ में आप यह कह सकते हैं कि वाक्य बना लेना जब भी आपको किसी की पहचान करनी हो तो क्या बना लेना वाक्य बना लेना क्या बना लेना वाक्य बना लेना, वाक्य बना लेना। समूहवाचक संख्या क्या होती है पुरलिंग होती है जैसे मैंने कहा बच्चा आपका मंडल समाज दल समूह वर्ग समाज मंडल दल समूह वर्ग आदि अब जैसे इसका वाक्य कैसे बनाओगे समाज में यह क्या चल रहा है यह समाज किस दिशा में जा रहा है अक्सर आपने कह रखा होगा तो जब आप इसका वाक्य में परिवर्तन करते हो तो आप कुछ इस प्रकार से बनाते हो ना समाज किस दिशा में जा रहा है किस दिशा में जा रहा है तो कौन जा रहा है समाज जा रहा है तो यह भी पुरलिंग तो इसके लिए क्रिया जो है वो भी क्या होगी पुरलिंग होगी तो यह शुद्ध है यहां से आपको पता चल जाएगा यदि यहां पर समाज रह होके होती करीना कपूर कहां जा रही है किस दिशा में जा रही है क्योंकि वो स्त्रीलिंग शब्द है तो आपको जब आप इसको अर्थ में या वाक्य में लेकर आओगे किसी भी शब्द की पहचान करने के लिए तो 99% परसेंट आपको शब्द की पहचान हो जाएगी अब तुरंत बता दो कि समाज एक पुरलिंग शब्द है इसी तरह मंडल मंडल आज कहां कीर्तन करेगा दल किस दिशा में जा रहा है समूह कहां जा रहा है यह वर्ग क्या करेगा तो यहां पर आपको सीधा पता चल गया कि यह समूह वाचक है और यह सारी की सारी पुर लेंगे। ये सारी की सारी क्या है बच्चा पुर लेंगे। सेकंड आ जाता है भारी और बेडोल वस्तुएं भारी और बेडोल वस्तुएं, बेडोल मतलब जिनका कोई अजीब साकार होता है भारी और बेडोल वस्तुएं ऐसे लगती है रफ एंड टफ भारी एवं बेडोल वस्तुएं जैसे आपने एक सिंपल कहा रस्सा रस्सा लोटा, पहाड, लोटा पहाड़ रस्सा लोटा पहाड़ आदि इन शब्दों में देखोगे तो लोटा बेडोल सा होता है ना अजीब तरीके का लोटा कहां जा रहा है लोटा लेकर या लोटा भर लो ये तो नहीं कहते लुटिया भर लो लोटा भर लो रस्सा खींच लो पहाड़ पर चढ़ जाओ या ये ये जो कुछ शब्द होते हैं जो भारी होते हैं और साथ साथ क्या होते हैं बच्चा ये बेड़ोल होते हैं ये कुछ वस्तुएं हमेशा पुरलिंग होती है क्या होती हैं ंग होती हैं इसके अलावा इसके अलावा तीसरे नंबर पर आ जाता है दिनों के नाम दिनों के नाम सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार महीनों के नाम जनवरी फरवरी ये बिल्कुल नहीं याद रखिएगा तीन क्या होते हैं तीन स्त्रीलिंग होते हैं बाकी सारे क्या होते हैं जैसे महीनों के नाम किसके नाम महीनों के नाम इसे लिख लीजिए बच्चा महीनों के नाम तो महीनों में आ जाती है फरवरी अब जैसे आप लोग ये कहते हो ना फरवरी आ गया यह बिल्कुल सही है हम लोग ये बोलते हैं ना फरवरी आ गई यह थोड़ा अजीब होता है हमें यह बोलना चाहिए फरवरी आ गया यह स्त्रीलिंग नहीं है यह पुरलिंग है उसके अलावा जो बाकी आप सारे के सारे बोलते हो मार्च चैत वैसाख अषाढ़ सावन भादों चैत वैसाख इसमें एक अपवाद है एक तो आपका जनवरी का महीना एक आपका मई का महीना और एक आपका जुलाई का महीना लिख लेना अपवाद अपवाद मतलब इन तीनों को छोड़कर जनवरी आ गई ये बिल्कुल सही है जनवरी मई और जुलाई का महीना जनवरी मई और जुलाई आ गई मई आ गई जुलाई का महीना ये स्त्रीलिंग होते हैं क्या होते हैं फेमिनाइन शब्द होते हैं, ये फेमिनाइन शब्द होते हैं, जबकि मंडल समूह वर्ग ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये भी मस्क्यूलाइन या पुरलिंग शब्द होते हैं दूसरी तरफ भारी और बेडोल वस्तुएं उसके बाद में आपका आ जाता है उसके बाद में आ जाता है आपका पृथ्वी को छोड़कर सभी नक्षत्रों और ग्रहों के नाम पृथ्वी को छोड़कर सभी नक्षत्रों और ग्रहों के नाम पृथ्वी को छोड़कर सभी नक्षत्रों व ग्रहों के नाम सभी नक्षत्रों व ग्रहों के नाम सभी नक्षत्रों व ग्रहों के नाम ये भी क्या होते हैं पुरलिंग होते हैं जैसे बृहस्पति जैसे मंगल जैसे मरकरी बुद्ध जैसे वीनस शुक्र लेकिन पृथ्वी क्या होती है स्त्रीलिंग होती है पृथ्वी क्या होती है स्त्रीलिंग इसी प्रकार धातुओं के नाम जो धातु होती हैं धातुओं के नाम जैसे सोना मिला है सोनभद्र में सोना मिला है अब एक बार बताओ जैसे यहां पर सोना है इस चीज पर गौर कीजिएगा मैं यहीं पर कह दू चांदी मिला आए, तो क्या वो बिल्कुल सही हो जाएगी यदि मैं यहीं पर कह दू, कि भाई चांदी मिली है तो क्या वो सही हो जाएगी आप बताइए यदि मैं यही कह दू चांदी मिली है तो क्या आप कर लोगे तो बिल्कुल सही धातुओं के नाम यहां पे भी होना चाहिए था अर्जेंटाइट मिलाए अर्थात चांदी मिलाए जो धातुओं के नाम होते हैं धातुओं के नाम ये क्या होते हैं सारे के सारे हमारे पुरलिंग होते हैं धातुओं के नाम सोना तांबा और आपका क्या हो जाता है लोहा एल्यूमिनियम सोना तांबा, लोहा एल्यूमीनियम एल्यूमीनियम उसके अलावा छठे नंबर पर आ जाता है बच्चा आपका इसके अलावा छठे नंबर पर आ जाता है वृक्षों के और कुछ फलों के नाम कुछ वृक्ष और कुछ फलों के नाम वृक्ष व फलों के नाम वृक्ष व फलों के नाम कुछ वृक्ष होते हैं जैसे आप कहा जाता है केला अमरूद शीशम पीपल केला अमरूद शीशम केला अमरूद शीशम केला अमरूद शीशम बरगद आम बरगद आम आदि वृक्ष में फलों के नाम भी किसकी श्रेणी में आते हैं यह भी बच्चा पुरलिंग की श्रेणी में आते हैं उसके बाद में आपका जाता है अनाजों के नाम क्या जाता है अनाजों के नाम अनाज होते हैं ना अनाजों के नाम अनाजों के नाम तो अनाजों के नाम कैसे गेहूं गेहूं चावल गेहूं चावल इसके अलावा आपका चना जौ बाजरा लेकिन कुछ ऐसे अनाज भी होते हैं जो अपवाद की श्रेणी में आते हैं। अपवाद मतलब वो स्त्रीलिंग होते हैं। अपवाद मतलब वो स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे अरहर एक क्या हो जाता है अरहर अरहर की जो दाल होती है इसे आप याद रखिएगा अरहर मक्कई, ज्वार मक्का ज्वार मूंग आदि ये क्या होते बच्चा ये स्त्रीलिंग होते हैं बाकी जो अनाज है गेहूं चावल चना जौ बाजरा ये पुरलिंग होते हैं ये क्या होते हैं पुरलिंग होते हैं उसके बाद में हम लोग आगे आते हैं और आगे हमारे सामने जो है वो आ चाहता है फूलों के नाम कौन से नाम रत्नों के नाम फूलों के नाम रत्नों के नाम रत्नों के नाम जो महंगे महंगे रत्न मिलते हैं उन सभी के नाम लिख लीजिए इसी में भी एकदम सही नीलम माणिक्य हीरा मोती पन्ना हीरा मोती पन्ना माणिक्य आदि पुखराज नीलम ये सारे के सारे नौवे नंबर पर आ जाता है फूलों के नाम फूल क्या हो जाते हैं आपके जैसे गेंदा है जैसे कमल है जैसे गुलाब है फूलों के नाम फूलों के नाम गेंदा कमल गुलाब आदि गेंदा कमल गुलाब आदि ये हो जाते हैं फूलों के नाम ये क्या हो जाते हैं फूलों के नाम चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए नेक्स्ट आ जाता है बच्चा आपके देश और नगरों के नाम देश व नगरों के नाम देश व नगरों के नाम जैसे कुछ देश है जैसे क्या हो जाता भैया हमारा दिल्ली लंदन भारत चीन जापान चीन जापान भारत दिल्ली आगरा लंदन दिल्ली आगरा लंदन आदि ये कुछ शहर होते और इनमें कुछ देश हैं तो उनके नाम भी क्या हो जाते हैं पुरलिंग हो जाते हैं उसके बाद में आपका जाता है बच्चा द्रव पदार्थों के नाम और इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कुछ खाने वाली चीजों के नाम जो होते हैं द्रव पदार्थों के नाम द्रव पदार्थों के नाम इस चीज पर गौर कीजिएगा स्टाल लगा के द्रव पदार्थों के नाम लिख लीजिए आप लोग दही दूध इसलिए मैं कहता हूं दही जो होता है वो बच्चा पुरलिंग होता है दही क्या होता है पुरलिंग दही खा लिया क्या आपने दही खा लिया क्या आपने दूध पी लिया तो अब इसमें मैं बताऊंगा क्यों दूध बच्चा पूरी तरीके से दूध से बनती है दही दूध से क्या बनती है दही तो दूध दही ये दोनों हो गए शरबत घी शरबत पी लिया घी खा लिया कोयला जला दिया पेट्रोल डाल दिया तो इस तरीके से यदि आप किस में देखोगे इसके अर्थ में देखोगे वाक्य बनाकर देखोगे तो ये कभी भी आपसे गलत नहीं हो सकते तो इनमें जो कुछ खाने पीने की चीजों के नाम होते हैं ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं बच्चा पुरलिंग हो जाते हैं द्रव पदार्थों के नाम इसमें भी एक अपवाद होता है चाय कॉफी लस्सी चटनी ये स्त्रीलिंग होते हैं इसमें भी क्या होता है अपवाद चाय कॉफी चटनी लस्सी आदि लस्सी आदि चाय कॉफी अब चाय कॉफी चटनी लस्सी इसमें देखोगे चाय कॉफी दूध से बनती है लेकिन दूध के अलावा भी इंग्रेडिएंट लस्सी भी दूध या दही से बनती है लेकिन उसमें भी इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें डाली जाती हैं जैसे लस्सी में चीनी वगैरह डाली जाती है दूसरी तरफ इधर देखोगे तो इधर कुछ भी नहीं डाला जाता अगर आप इसकी बात करोगे अपवाद की इसमें दूध दही में दही में तो दूध से पूरी तरीके से बन जाती है इसकी बात आप करोगे घंटा क्षण मिनट सेकंड जो समय होता है टाइम को जब आप करते हो तो समय को आप पुरलिंग होता है एक घंटा बीत गया यह क्षण भी बीत जाएगा एक सेकंड बीत गई एक सेकंड बीत गई तो कहोगे सर यहां पे तो आपने लिखा एक सेकंड बीत गई तो मैंने गलत बोला एक सेकंड बीत गया या एक सेकंड व्यतीत हो गया एक सेकंड व्यतीत हो गया सेकंड मिनट मिनट एक, मिनक, एक मिनक आप ऐसे बोलते हो एक मिनट हो गई यार वो आया ही नहीं तो यहां पर याद रखना एक मिनट समय हो गया है एक मिनट का समय हो गया है लेकिन वो व्यक्ति आया ही नहीं है क्योंकि जो समय होता है मिनट क्षण घंटा ये सारे के सारे पुरलिंग होते हैं क्या होते हैं सारे के सारे पुरलिंग होते हैं उसके बाद में आ जाते हैं द्वीप और सागर दीप व सागर दीप व सागर जैसे हिंद महासागर जैसे हिंद महासागर द्वीप में क्या हो जाएगा जैसे इंडियन ओश सागर में क्या हो जाएगा जैसे हिंद महासागर प्रशांत महासागर जबकि द्वीप में हो जाएगा जावा द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप लक्ष्य द्वीप ये पुरुषवाचक है अर्थात ये पुरलिंग है उसके नेक्स्ट आ जाता है बच्चा आपके वर्णमाला के अक्षर वर्णमाला के अक्षर जो वर्णमाला होती है इसके अक्षर भी ज्यादातर पुरलिंग होते हैं सिर्फ छोटी ई बड़ी ई और पे ऋषि को छोड़कर बाकी जितने भी होते हैं छोटा ई बड़ी ई और पे ऋषि को छोड़कर को छोड़कर पुरलिंग होते हैं सभी छोड़कर पुरलिंग ई बड़ी ई रे ऋषि इन सभी को छोड़कर बाकी क्या होते हैं बच्चा पुरलिंग होते हैं जैसे क्या खा गा घा ए आ छोटा ऊ बड़ा ऊ ये सब क्या होते हैं पुरलिंग होते हैं अभी यहाँ आपको टाइम के और खाने की जो दही आदि चीजें होती हैं इनके बारे में कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा जबकि चाय कॉफ़ी चटनी लस्सी ये सारे के सारे अभी भी स्त्रीलिंग है उसके बाद में आ जाते हैं बच्चा आपका शरीर के अंग शरीर के अंग जो बॉडी पार्ट्स होते हैं शरीर के अंग जो बॉडी पार्ट्स आपको दिखते हैं तो उसमें आप हाथ पैर गला कान मुंह घुटना ये सब जीव आंख नाक अपवाद आ जाता है अपवाद इसमें आ जाता है जीव आंख नाक कान और आंख नाक उंगलियां जीव आंख नाक उंगलियां को छोड़कर को छोड़कर अर्थात यदि शरीर में आप जीव आंख नाक उंगलियों को छोड़ दें तो बाकी सभी क्या होते हैं लिंग होते हैं छोड़कर क्योंकि ये स्त्रीलिंग होती है बाकी सभी पुरलिंग होते हैं बाकी सभी क्या होते हैं पुरलिंग होते हैं उसके बाद में आपका आ जाता है नेक्स्ट आकारांत संज्ञाएं आकारांत संज्ञाएं आकार इस पर गौर कीजिएगा आकारांत संज्ञाएं जैसे कोई शब्द है संज्ञा शब्द उसके बाद में आ लगा होता है क्या लगा होता है आ जैसे गुस्सा जैसे पैसा जैसे गुस्सा जैसे पैसा तो अंत में आ लगा रहता है अंत में आ लगा होता है जैसे गुस्सा जैसे कि क्या जाता है बच्चा जैसे कि किसी को गुस्सा आ जाए चश्मा पैसा इन्हें क्या बोलते हैं आकारांत ये सब क्या होते हैं पुरलिंग होते हैं क्या होते हैं पुरलिंग होते हैं उसके बाद में आपका आ जाता है दान खाना वाला जिसके पीछे दान जैसे खानदान दान ये लगे हो, वो भी क्या होते पुरलिंग होते जिसके पीछे खान या जिसके पीछे लगाओ बच्चा बिल्कुल सही खाना या वाला देख लीजिए दान दान खाना और वाला खाना वे वाला दान खाना और वाला शब्द से अंत होने वाले यदि किसी के पीछे दान लग गया खाना लग गया या वाला शब्द लग गया जैसे खान दान तो ये पुरलिंग है जैसे वाला लग जाता है इसे आप ऐसे कह सकते हो दूध वाला जेल खाना जेल खाना दवाई खाना शिफा खाना और नेक्स्ट हो जाता है आपका दूध वाला अखबार वाला ये भी पुरलिंग होते हैं ये भी क्या होते हैं पुरलिंग होते हैं ये भी पुरलिंग होते हैं उसके बाद में कुछ शब्द और लिख रहा हूं इन्हें आप पहचने पहचानने की कोशिश करना जैसे खेल रेल बाघ हार खेल रेल बाघ और हार खेल रेल बाघ हार या यंत्र ये सारे के सारे क्या होते हैं ये सारे के सारे पुरलिंग होती हैं। उसके बाद में लोटा मोटा घोड़ा हीरा लोटा मोटा हीरा नेक्स्ट आ जाता है आपका पुलाव बहाव फैलाव पुलाव जिसके पीछे आव होता है फैलाव भराव घेराव आदि ये शब्द भी पुरलिंग होते हैं उसके बाद में आप कहा जाता है जिसके पीछे पा लगा हो बुढ़ापा बुढ़ापा पुजापा मोटापा मोटापा दान खानदान जेल खाना दवाई खाना दूध वाला सब्जी वाला ये सारे के सारे पुरलिंग होते हैं खेल रेल बाघ हार यंत्र अक्सर हम हार को सोचाते स्त्रीलिंग नहीं खिलाड़ी हार गया या हार निश्चित हुआ दूसरी हार मतलब ये भी कह सकते हो बगल जो गले में डालने वाला हार होता है रेल रेल भी बच्चा पुरलिंग है रेल भी क्या पुरलिंग इसी तरह लड़कपन बचपन जिसके पीछे पन लगा हो लड़कपन बचपन आदि लड़कपन बचपन आदि उसके बाद में आ जाता है लेखक गायक ये थोड़े बेटे अजीब शब्द होते हैं इनको आप डेली डेली प्रैक्टिस करोगे ना तब जाके क्लियर होंगे लेखक गायक नायक इसी तरह जो निज निजवाचक सर्वनाम से निजवाचक सर्वनाम से जो भी भाववाचक संज्ञा बनती है वो सारी की सारी जैसे ममत्व स्त्रीत्व, ममत्व स्त्रीत्व, मनुष्यता जिनके पीछे आदित्व लगा रहता है ममत्व पुरुषत्व स्त्रीत्व, मनुष्यत्व मनुष्यत्व कह लीजिए तो ये लगा हो ये सारे के सारे भी पुरलिंग होते हैं इसके बाद में आ चाहता है भुलावा दिखावा चढ़ावा भुलावा दिखावा चढ़ावा आदि इसके बारे में यदि बात करोगे तो आगे आ गया चाहता है आपका पकोड़ा, हथोड़ा, जिसके पीछे ओड़ा लगा हो पकोड़ा, हथोड़ा आदि रिवाइज करना हर हाल में पकोड़ा, हथौड़ा आदि और उसके बाद में आ जाता है बच्चा बालक गीदड़ कौ कवि साधु बालक ये हमेशा कुछ शब्द होते हैं गीदड़ कवि साधु जो बच्चा पुरलिंग जाति का बोध कराते हैं किसका बोध कराते हैं पुरलिंग जाति का कौवा भी लिख लीजिए क्या लिख लीजिए कौवा ये सदैव पुरलिंग का बोध कराते हैं किसका बोध कराते हैं ये सदैव पुरलिंग का बोध कराते हैं इसके अलावा मच्छर गेंडा जिराफ खरगोश मच्छर गेंडा जिराफ खरगोश आदि लड़कपन बचपन लेखक गायक ममत्व स्त्रीत्व, मनुष्यत्व भुलावा दिखावा भुलावा दिखावा, पकोड़ा, हथोड़ा बालक गीदड़ कवि साधु कौवा मच्छर गेंडा जिराव खरगोश आदि ये सारे के सारे क्या होते हैं पुरलिंग होते हैं बच्चा क्या होते हैं पुरलिंग होते हैं अब मुझे कुछ क्वेश्चन बताइए मैं आपको स्त्रीलिंग भी दे सकता हूं पुरलिंग भी दे सकता हूं अब मुझे मैं आपको तीन चार शब्द दूंगा आपको बस मुझे कॉन्सेप्ट के साथ बताना है इसमें पुरलिंग है या इसमें स्त्रीलिंग है जैसे मैंने कहा मैंने आपको चार पांच शब्द दिए मैंने कहा पारा बताइए पारा कैसा है फर्स्ट पारा कौन सा है चांदी यह पुरलिंग है स्त्रीलिंग है पुरलिंग है स्त्रीलिंग है इसके साथ मैंने दिया जामुन जामुन इसका बताइए स्त्रीलिंग इस पुरलिंग इसके अलावा जौ जौ ये कैसा है इसके अलावा हो जाता है बच्चा आपका इसके अलावा आपका जाता है ऊ ये क्या है उ, उसे उल्लू वो वाला ऊ है इसमें भी आपको बताना है उसके बाद में आ जाता है फरवरी फरवरी उसके बाद में आपका आ जाता है एवरेस्ट एवरेस्ट बताइए कौन सी है एवरेस्ट उसके आगे आपका आ जाता है पंचायत ये कौन सी है पंचायत यह कौन सी है उसके आगे आप जाता है आपका चलिए उसके बाद में आपका आ जाता है ई धन धन और दसवा चाहता है आपका बच्चा अबीर अब ये बताइए कि ये कौन से हैं ये दस के दस आपको बताने कि इनमें कौन सा लेंगे और किस कारण से है कारण भी बताना और ये भी ऐसे आज हमने कर लिए पुरलिंग स्त्रीलिंग और कल कुछ महत्वपूर्ण पुरलिंग स्त्रीलिंग को बदल के भी देख लेंगे फिर टेस्ट ले लेंगे कल संडे मंडे में मुलाकात होगी क्लास कैसे लगी आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट किया करो यार आप कमेंट वगैरह नहीं करते मुझे बोलना पड़ता है आंसर बता दिया करो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना पर कल सुबह नौ बजे वो दो मार्च को जंतर मंत्र पर भूक हड़ताल शुरू कर रहे हैं सुबह दस बजे से सिंपल बैठ जाएंगे गर्मी हो ठंड हो भू करताल पर ठीक है गुरुपड़ी और एन की डेट्स के लिए तो आप सभी से रिक्वेस्ट है पहुंच पाए तो देख लीजिएगा वना हम तो अपना

एक बार दिल्ली का हो जाए फिर यूपी पे चढ़ाई करेंगे जय हिंद जय भारत जय एग्जामपुर जय एग्जामपुर